व्हाट इज द फाइटर्स आदर्श। तो आज के वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही हम लेट में शूट कर रहे हैं क्योंकि हम भूल गए थे कि हम को वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आई रियली सॉरी, क्या ये वीडियो बहुत लेट से आएगा, मगर उससे वीडियो में आने से पहले आप लोगों को एक चीज़ से रिमाइंड कर दें कि जो भी मेरे गिल्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी अभी इस गेम को खेल रहे हैं, अगर उन्होंने लुनेटिक मोड अभी तक नहीं खेले तो हम एक बार बोलें कि इसको खेल लो ताकि हम लोग सभी को डबल कीज मिल जाए। हम लोग सिर्फ 470 मिलियन डैमेज से दूर हैं यहाँ पर से, तो अगर आप लोग कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जो लोग भी खेले उन लोगों को डबल बॉक्सेस मिल जाएंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के मेन मुद्दे की तरफ कि आप लोग अपने कार्ड को ट्रांसलेट करते हो, स्पेशल कार्ड को करते हो, ऑप्शन कार्ड को करते हो और अपने सेट कार्ड को करते हो, तो आपको किन कार्ड को ट्रांसलेट करना चाहिए, क्या मटेरियल यूज करने चाहिए और कौन सी इफेक्ट्स रखने चाहिए, हम इन सभी चीज़ों के आज हम बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कहीं भी थोड़ा सा डाउट है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम यूजुअली बोलते नहीं क्योंकि हमको पता आप लोग पूरा ही देखते हो, मगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग कुछ ना पता हो तो आप लोग इस वीडियो में कुछ और भी नया जान लें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से कार्ड्स को अवेकन करें, सेट कार्ड्स, ऑप्शन कार्ड या फिर स्पेशल कार्ड्स, ठीक है। तो सबसे हम इनको ऑर्डर में रखते हैं कि आप लोग इनको कैसे इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे पहले हम तो बोलेंगे सेट और ऑप्शन, इन दोनों में से आपके पास जो भी ज़्यादा सही आपको लगता है आप इनको ट्रांसेंड कर डालो। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने ऑप्शन कार्ड्स और सेट कार्ड्स को मल्टीपल फाइटर के ऊपर इक्विप कर सकते हो, ठीक। मगर आप स्पेशल कार्ड किसी एक स्पेशल कार्ड को ट्रांसेंड कर दिए, वो कार्ड सिर्फ उसी एक कैरेक्टर के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा। अब जैसे कि हम लोग क्यू बात कर लेते हैं, ठीक है, तो SSQ का अगर हम 3PG कार्ड जो हम लोग का है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो उसको हम बाकी क्यू के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बाकी और फाइटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उसको? नहीं। तो चीज़ वही है। अब कुछ लोग सवाल रहे कि भाई स्पेशल कार्ड 5PG को करे, 3PG करे, स्पेशल 3PG करे, किसको करे? तो इसमें हम आप लोग यही बोलेंगे कि जो 3PG आप लोग रेगुलर यूज़ करते हो उसी को अपग्रेड करो। और अगर आप हमसे पूछते तो मेरा प्रेफरेंस है कि हम ये स्पेशल जो हम लोग फेस्ट 3PGs होते हैं हम इन्हीं को अवेकन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना कार्ड दिखाते हैं मेरे कैरेक्टर का, जिसको देखें हम यहाँ से होनू का 3PG को अवेकन करके लेवल 7 तक। अब यहाँ पे हम लेवल 7 तक लेकर गए हैं, मगर यहाँ पे मेरा इफेक्ट जो है वो हमको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। हम जो इफेक्ट खोजे वो हमको अभी तक मिला नहीं, तो इसको हम बाद में शायद और बार अवेकन करेंगे, मगर रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हम लोग स्पेशल कार्ड्स, ऑप्शन कार्ड और सेट कार्ड का। अब अगर हम बात करें कि आप लोग कौन से मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए इनको अवेकन करने के लिए, तो जैसे कि हम लोग होनुका के कार्ड रखे हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि भाई ये सब कार्ड्स हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे ट्रांसेंट उन्हीं कार्ड्स को लेकर करना जिनको आप कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, समझ रहे हो ना, कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं उसका, या फिर आप गेम में इतने आगे निकल चुके आपके बहुत से फाइटर्स हैं, आप लोगों के दो टू गायब भी आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि हम यहाँ पे हाल में BS नहीं, हम यहाँ शिंगो का 3PG ऑप्शन कार्ड यूज़ करने वाले थे, अब वो इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग शिंगो का SS या BS वर्जन आ सकता है। हम BS इसलिए बोले क्योंकि शायद KOF 1998 की जो हम लोग का अनलिमिटेड मैच हुआ था, हाँ सर 1998 ही था, तो उसमें हम लोग का सिंगो मिड बॉस टाइप का हम लोग कैरेक्टर था, तो हो सकता है उसको लेकर लोग उसको BS बना कर ले आए, तो कोई भरोसा नहीं है। मगर हम ये इसलिए नहीं हट रहे क्योंकि अगर आप लोग यहाँ गौर करते हो हम लोग क्रिटिकल रेट बढ़ रहा है 10% से, और अगर आप लोग मेरे पहले वीडियोस देखे हो तो आप लोगों को पता है कि क्रिटिकल रेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक एक कैरेक्टर के लिए एक कार्ड के ऊपर होना, क्योंकि वो हम लोग कितना CP देता है। और अगर हम लोग क्रिटिकल रेट का बात कर ही रहे हैं तो अब हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग कौन से इफेक्ट ट्रांसेंड में रखने चाहिए, तो उसके लिए हम एक फाइटर की तरफ जाएंगे। जैसे कि अभी फिलहाल हम इनो को ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनो को हम थोड़ा जो इफेक्ट दिया जाता है वो उसको मिला है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं ऑल जल्दी से हो जाए। ओके, तो अगर आप यहाँ इनो को देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों कार्ड्स को हटा दें, ठीक, दोनों स्पेशल कार्ड्स को हटा दिए हम, मगर आप लोग चीज़ गौर क्योंकि यहाँ पे हम लोग का CP बहुत ज़्यादा टाइप में डिक्रीज़ हुआ, ठीक। अगर हम इस 3PG को इक्विप करते हैं यहाँ पे तो मेरा CP इंक्रीज होता है अराउंड 3000। ओके, ये ट्रांसेंडेड नहीं है और ये हम लोग का ट्रांसेंडेड कार्ड है। अगर इसको इक्विप करते हैं तो हम लोग का 11000 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है गाइस। तो अब आप लोग बोले कि हाँ पता है भाई ये तो ट्रांसेंड किया हुआ है, इसीलिए वो तो एक रीज़न है ट्रांसलेट किया हुआ है, मगर इतना ज़्यादा भी अंतर नहीं आता ट्रांसलेटेड कार्ड्स में। मेन रीज़न ये है कि इसका 3PG वाला है, इसमें मेरे पास यहाँ क्रिटिकल रेट है, और यहाँ पे और गौर करो कौन सा क्रिटिकल रेट है, इंक्रीज अटैक टाइप फाइटर्स क्रिटिकल रेट बाई 2.8%। इनो हम लोग की कौन सी कैरेक्टर है अटैक टाइप, अगर आप लोग किसी, अब चलो
ये तो आप लोग समझ गए। अब तो हम लोग डीजी को यहाँ ले आते तो आप लोग और ज़्यादा अच्छे समझोगे। तो अगर हम लोग डीजी का बात करें तो डीजी को हम एक काम करते क्या करें, इसको एक बार थोड़ा कार्ड्स हटा देते हैं यहाँ पर से, और इसको जो रिक्वायर्ड कार्ड उसको लेकर खेलते हैं उसी को लगा देते हैं। और यहाँ पर देखो, अब हाँ ऑप्शन कार्ड भी हम यहाँ SS वाला कूला कार्ड को वेकेंट करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्रिटिकल रेट मिलता है हम लोग को इस कार्ड पे, और ये हम लोग के SS फाइटर्स के लिए, तो SS फाइटर्स का CP बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। मगर यहाँ पर अगर आप गौर करो तो मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट क्या है, अटैक टाइप फाइटर ब्लीड डैमेज बाई 10%। डीजी अटैक टाइप है क्या? मतलब कोई भी SS कैरेक्टर है जो ब्लीड करता हो? हमको तो नहीं लगता कोई भी है, तो ये इफेक्ट इसके लिए सही नहीं है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। मगर असल मुद्दा ये है, इस कार्ड को हम लोग हटा ही देते हैं, ठीक है, अभी के लिए हटा ही देते हैं। और यहाँ पे काजुमी कार्ड को भी हटा देते हैं, मतलब 21,000 CP डिक्रीज हुआ। और यहाँ पे देखते हैं कितना से होता है, यहाँ हम लोग 16,000 डिक्रीज हुआ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो कि मेरा 3 काजुमी कार्ड ट्रांसेंडेड है। अगर हम पहला कार्ड की बात करें तो इसको एक बार हम लोग इफेक्ट दिखा देते हैं, तो ये मेरा इंक्रीज करता है अटैक टाइप फाइटर्स HP बाई 4%। हाँ, तो हम इसको इक्विप कर देते हैं अभी, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला कार्ड हमको इसको देना ही नहीं चाहिए। अब आप बोले क्यों? हाँ, अरे भाई 12,000 से CP इंक्रीज हो गया, क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए क्योंकि हम लोग का जो नया इफेक्ट हम लोग को मिल रहा है क्या, अटैक टाइप का HP इंक्रीज होने वाला है। बैलेंस टाइप का कुछ मिला गया क्या? नहीं। तो बस ये कार्ड का जो CP था वही इंक्रीज हुआ। मगर अगर हम इसको ये वाला CP ऑप्शन कार्ड देते हैं, देखो सेम कार्ड है, सेम ट्रांसेंडर लेवल है, उसके बाद भी हम लोग को ऑलमोस्ट 4,000 का CP बम्प मिला। क्यों? हाँ क्यों? मतलब ये कार्ड में हम जादू करके रखें क्या? नहीं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न यही है कि यहाँ पर हम जो इफेक्ट रखे वो क्या है, इंक्रीज बैलेंस टाइप फाइटर क्रिटिकल रेट बाई 2%। भले ये 2% क्रिटिकल रेट है, मगर आप लोग देखिए CP कितना इंक्रीज हुआ। मगर यहाँ गौर करो, बैलेंस टाइप DZ क्या है, DZ बैलेंस टाइप है, उसका क्रिटिकल रेट हम लोग इंक्रीज किए, इसलिए मतलब CP उतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो आप लोग यही समझाना चाहते थे इस वीडियो से कि आप लोग कौन से फाइटर्स को कौन से कार्ड्स कौन से इफेक्ट के साथ देना चाहिए। हम होप करते हैं आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। अब अगर आप गौर करो, मेरा सभी कार्ड ट्रांसेंडेड नहीं है, यहाँ पर अधिकतर कार्ड्स ट्रांसेंडेड किए ही हुए नहीं है, समझ रहे हो। और हाँ, आप लोग ऐसे अपना 5-star मतलब गोल्ड कार्ड को भी अवेकन कर सकते हो, मतलब ट्रांसेंड कर सकते हो, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप खुद देखो कि हम यही कार्ड्स को लेकर खेल रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ DZ का 3PG को भी कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, डिफेंस टाइप फाइटर क्रिटिकल रेट बाई 1.6%। हम लोग का कुछ बहुत भारत टाइप CP हम लोग को मिलेगा नहीं, क्योंकि DZ हम लोग की बैलेंस टाइप है। अगर हम यहाँ पे इन कार्ड्स को हटा दें, एक बार के लिए आपको हम दिखाते हैं, तो दोनों कार्ड को अनलॉक कर दें, क्योंकि हम लोग CP इतना ज़्यादा होता है उतना हम लोग CP और बम्प होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले इस 3PG को इक्विप करते हैं तो हमको कितना CP मिला, 4,000, मतलब 5,000 अराउंड, ठीक। और अगर हम इस कार्ड को अब इक्विप करते हैं तो अब देखते हैं हम लोग कितना CP मिलता है, वही 4,000 समथिंग हम लोग को मिला है, ठीक। बस 600 का हम लोग का डिफरेंस था, और वो 600 डिफरेंस आया क्योंकि ये 2-star ट्रांसलेटेड कार्ड है, जिससे हम लोग का थोड़ा सा स्टैट्स भी और इंक्रीज हुआ था। अगर हम लोग स्किल्स में जाएँ, स्किल नहीं लेवल, हाँ, तो हम लोग का थोड़ा सा स्टैट्स और इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से वो हम लोग 600 CP डिफरेंस आया। मगर वहीं अगर ये बैलेंस टाइप का क्रिटिकल रेट वाला कार्ड रहता तो भाई समझ जाओ क्या होता, समझ रहे हो ना, मतलब कितना हम लोग CP इंक्रीज हुआ था। तो हम होप करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा आइडिया मिल चुका कि कौन से कार्ड्स को अवेकन करें, किस फाइटर के लिए अवेकन करें, कौन से इफेक्ट्स रखें, किस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसेंड करें। हम सर अवेकन बोल रहे थे बीच में, तो उसके लिए आई एम सॉरी गाइस, तो उसको आप लोगों को ट्रांसेंड करें। तो हम होप करते हैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ चुके हो, और अगर समझ गए हो तो लाइक मारो, ठीक है। हमको नहीं पता, लाइक हमको चाहिए कम से कम 25, हमको पता है बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, मगर हमको चाहिए, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लाइक करो, और अगर आप लोग कोई भी और सवाल तो उसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को एंजॉय किए हो, और अगर आप नए यहाँ इस चैनल पर आए हो और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया है, ठीक है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।